आज हम कुछ विषयों पर चर्चा आपसे करेंगे जो हमेशा आप करते आ रहे हैं। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम आपने देखा होगा, निरंतर चल रहा है। दिव्य सत्संग के माध्यम से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं। उन प्रश्नों में से लोगों ने हमसे ये जानने की कोशिश की है कि ज्योतिष का जीवन में क्या महत्व है। बहुत सारे लोग रोज आके पूछते हैं। वास्तविकता यह है कि ज्योतिष एक शास्त्र है, ज्योतिष एक फिलॉसफी है जिसमें हमें भूगोल का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्योतिष से ज्योतिष जो है अंक गणित और रेखा गणित दोनों पर निर्भर करता है। तो ज्योतिष का जो भूगोल है, जो हमारे जीवन के साथ में उसका क्या रिलेशन है, राशियों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, तो वास्तविकता यह है कि हमारे शारीरिक रूप से अगर हम जानते हैं प्राकृतिक रूप से, क्योंकि हमारा शरीर पंच परमाणु से बना है, पंचभूत से बना है, अग्नि जल वायु पृथ्वी से बना है, तो इसमें भूगोल इसमें निश्चित हो गया कि भूगोल से हमारा शरीर निश्चित बना हुआ है। तो ज्योतिष का हमारे जीवन पर भौगोलीय प्रभाव पड़ता है, न कि हमारे जीवन पर हमारे भाग्य के साथ में इसका कोई संबंध है। और वैसे दो प्रकार का ज्योतिष समाज में मानते हैं। एक फलित ज्योतिष मानते हैं जिसे सभी लोग आप टीवी पे सुनते हैं या और भी किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते होंगे, अपना भाग्य दिखाते होंगे, शादी क्यों नहीं हो रही है, हमारा विवाह क्यों रुक गया, हमारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, हमारी नौकरी क्यों नहीं लग रही है। अगर इस प्रकार का कोई समाधान आपको प्राप्त करना है तो ये समाधान जो है किसी ज्योतिष आचार्य से आपको प्राप्त होगा कि आपको नौकरी क्यों नहीं लग रही है। तो मैं इस प्रकार का कोई शास्त्र मैंने विश्वास से नहीं देखा। तो मुझे विश्वास इस बात का है कि ज्योतिष शास्त्र मैंने पढ़ा और मैंने निरुक्त शास्त्र पढ़ा और मैंने निकुंठ शास्त्र भी पढ़ा। तो ये तीनों जो शास्त्र हैं ये उप अंग हैं वेदों के। तो जब हम वेद का व्याकरण दर्शन पढ़ते हैं, जब उसका अर्थ समझते हैं, तो हमको ज्योतिष निरुक्त और निकुंठ भी पढ़ना पड़ता है सूत्र के रूप में। तो ज्योतिष एक सूत्र है वेद को समझने, यानी कि भूगोल को, इस अंतरिक्ष को समझने का। तो हम ज्योतिष के माध्यम से उस फिलॉसफी से ये समझ सकते हैं कि मंगल ग्रह कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, उसकी धरती से दूरी कितनी है और धरती से उसका क्या प्रभाव है, संबंध क्या है, उसके क्या रिलेशन हमें प्राप्त होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये चीज़ें हमें ज्योतिष के भूगोलीय खंड से प्राप्त होती हैं। इसका हमारे भाग्य से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के साथ में भाग्य के साथ इनका कोई संबंध नहीं माना गया है। और वैसे समाज में अगर कोई विद्वान इस प्रकार का विश्लेषण करता है, आपके भाग्य से जोड़ता है, आपको अगर उसके ऊपर कोई विश्वास लगता है, आपका कोई काम बनता है या उनके कहने से आज्ञा से आपकी कोई बात बन जाती है, आपके काम बिगड़े बन जाते हैं, तो आप अपने अपने विश्वास से विश्वास रखें, अपने आधार पर चलें, जहां भी आपकी मान्यता हो माने। पर शास्त्रीय प्रमाण इसका कोई नहीं है कि ज्योतिष में हम अपना भविष्य जान सकते हैं, कि ज्योतिष में हम अपना जन्म मृत्यु जान सकते हैं, कि ज्योतिष में हमारा एक्सीडेंट होगा, ज्योतिष में हमारा विवाह होगा, ज्योतिष में हमारे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। ये सब संबंध हमें से जुड़े हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं ये सब बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष पर इस तरह विश्वास भी करते हैं, अपने भाग्य को देख के चलते हैं, पर उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें झूठी निकल जाती हैं और कई लोग इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, उनके जीवन में सब अच्छाइयाँ होती रहती हैं। हमारे पूर्वजों के काल में ज्योतिष नहीं था, हमारे पूर्वजों के काल में कुंडली आदि नहीं बनती थी, तो उस स्थिति में भी सब संसार ज्यों की त्यों परंपरागत चल रहा था। तो विज्ञान की दृष्टि से किसी को किसी प्रकार के प्रयोग संसार में नहीं होते, क्योंकि विवाह जब होता है तो हम बच्चों का योग, पुत्र पुत्री का योग, ये सब चीज़ें ज्योतिष वाले आचार्य लोग नहीं बताते हैं और विवाह के योग करके विवाह करा देते हैं। पर विवाह का संबंध तो बच्चों से ही है, गृहस्थ बढ़ाने से ही है, सृष्टि के निर्माण के लिए विवाह संस्कार का निर्माण हुआ है। तो इस आधार से ज्योतिष जो है भूगोलीय प्रकाश करता है, भूगोल का ज्ञान देता है, अंतरिक्ष और परमाणुओं का ज्ञान देता है। ज्योतिष को राशि और दिन महीने और इन सब चीज़ों को पहचानने के लिए ज्योतिष का एक प्लस भी तैयार की गई है, यहाँ तक इसका विश्वास मुझे बैठता है। और बाकी मैं किसी भी चीज़ पर टीका टिप्पणी न करते हुए आपको ये बताना चाहूँगा, आपने पूछा है तो ज्योतिष का भाग्य से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। भाग्य तो केवल ईश्वर ही निर्मित करता है और वही उसका संचय करते हैं, और भाग्य का निर्माण स्वयं जीव अपने कर्मों के आधार पर
करता है फिक्स, और वो केवल ईश्वरीय प्रवृत्ति है। वो भाग्य को कोई समझ नहीं सकता सृष्टि में, क्योंकि भाग्य के लेखे राम को भाग्य नहीं समझा, नारद जी को भाग्य नहीं समझा। नारद जी भविष्यवक्ता थे, राम जी त्रिकालदर्शा थे, उनको ही भाग्य की व्याख्या न समझी और वो लीला करते हुए सब चीज़ों को सहन करते हुए आगे बढ़ गए। और आपको अगर कहीं से किसी प्रकार का अपने भाग्य रिलेशन में ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं तो आपको हम रोकेंगे नहीं। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी प्रकार का आप प्रकार विद्वानों से या आचार्यों से मिलें, समाधान होता है करें, पर कहीं तक वो चीज़ें शास्त्र से, उपनिषद दर्शनों से या वेदों से मैच नहीं होती हैं। ज्योतिष शास्त्र एकदम सत्य है पर उसका भाग्य रिलेशन नहीं है, उसका सृष्टि भूगोलीय रिलेशन है जो हमारे जीवन के साथ नहीं, हमारी पूरी प्रकृति के साथ उसका रिलेशन होता है, संबंध होता है, बल्कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ उसका संबंध नहीं होता है। ज्योतिष का ये विश्लेषण मैंने आपको दिया है और इससे भी ज़्यादा और भी ज्योतिष के बारे में प्रमाणिक कुछ बातें हैं जो आपको बताई जा सकती हैं। कोशिश कीजिए कि आप ज्योतिष के बारे में समझ पाए होंगे। ज्योतिष को अपने हद और सीमा तक ही वो काम करता है, आप भी उतना ही ज्योतिष को स्वीकार करें। आप पुरुषार्थ पर, मेहनत पर और अपने भाग्य के कर्म प्रमाणी पर विश्वास करते हुए अपनी मेहनत और अध्ययन और तपस्या पर ही, अपने संयम सदाचार पर, अपने पुरुषार्थ पर ही आपको फल प्राप्त होगा। बल्कि वो भाग्य या किसी भी चीज़ को ज्योतिष जागृत नहीं कर सकता है, वो सब चीज़ें आपको ही जागृत करनी पड़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।